सोना से इस वक्त की बड़ी खबर। सोना से रोहतास खटाना हो सकते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। सोना सीट पर कांग्रेस ने अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि सोना से रोहतास खटाना कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। सोना सीट पर कांग्रेस ने फिलहाल कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि सोना से इस वक्त की बड़ी खबर, सोना से रोहतास खटाना कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, सोना से रोहतास खटाना कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी जब सोना से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। सतीश राघव संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सतीश, देखिए सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी सामने आ रही है कि सोना से इस वक्त की बड़ी खबर, सोना से रोहतास खटाना को कांग्रेस उम्मीदवार बना सकती है, सूत्रों से हालांकि ये जानकारी मिल पा रही है। जी बिल्कुल, इस तरीके से अभी करीब आधे पौने घंटे पहले जानकारी यही मिली है कि रोहतास खटाना को कांग्रेस की टिकट मिल गई है और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है उन्होंने पूरे तरीके से पटाखे वगैरह यहाँ पे बजाए हैं। और अगर हम कार्यकर्ता और उनके नजदीकी लोगों की बात करें तो सभी का यही कहना है कि एक जो रोहतास खटाना है उनको कांग्रेस से टिकट दे दिया है। बिल्कुल, देखिए हालांकि फिलहाल इस पर पुष्टि करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से हालांकि सतीश ये जानकारी मिली, जिस तरीके से आपने भी बताया कि वो खुशी जाहिर करते हुए पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि कितनी पुष्टि इस खबर को लेकर की जाए? जी देखिए, जिस तरीके से अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें, उनके नजदीकी लोगों की बात करें और जिस तरीके से शहर में जो जश्न है उनकी तरफ कार्यकर्ता जो मना रहे हैं, तो उसको लेकर तो यही लगता है कि भाई जो रोहतास खटाना रिठौज है उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। चले फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए ये सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी सामने आ रही है कि सोना से रोहतास खटाना कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी भी दी है कि वो पटाखे फोड़ते हुए खुशी जाहिर करते नजर आए हैं, अब देखने वाली बात होगी जब कांग्रेस अपनी दो विधानसभा सीटों को लेकर प्रत्याशी घोषित करती है तो देखने वाली बात होगी कि सोना से रोहतास खटाना को टिकट मिलती है या फिर कोई और अन्य चेहरा उतारा जाता है। तो देखिए कांग्रेस ने दो और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। उकलाना से नरेश और नारनौल से जसबीर सिंह को टिकट दिया गया है। अभी भी दो सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है। सोना और भिवानी सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान फिलहाल बाकी है। 88 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है कांग्रेस, फिलहाल दो और सीटों का इंतजार किया जा रहा है। तो कांग्रेस ने दो और उम्मीदवारों की लिस्ट फिलहाल जारी की जिसमें की उकलाना से नरेश और नारनौल से जसबीर सिंह को टिकट दिया गया और अभी भी फिलहाल दो सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है। सोना और भिवानी ये सीटें अभी पेंडिंग है और देखिए नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और 3 बजे तक ही नॉमिनेशन हो सकता है। अब ऐसे में सोचने वाली बात है और बड़ा सवाल कि कांग्रेस की तरफ से अभी भी दो सीटें होल्ड की गई हैं। तो देखिए कांग्रेस की नई लिस्ट में क्या कुछ खास है। दो सांसदों के बेटों को इस बार टिकट दी गई है। सांसद सुरजेवाला के बेटे आदित्य को कैथल से टिकट दिया गया है। सांसद जयप्रकाश के बेटे विकास सहारण कलायत से प्रत्याशी। पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल के दामाद सोमवीर शरवण को बाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया। तो देखिए आप राजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। आप राजिता, देखिए फिलहाल अभी दो सीटों को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार जो है उतारे, लेकिन फिलहाल अभी भी दो सीटें पेंडिंग है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कह सकते हैं कि सस्पेंस पूरी तरीके से बनाया हुआ है। जब तक आखिरी समय नहीं हो जाता नॉमिनेशन का तब तक कांग्रेस सस्पेंस बनाई हुई है। अब देखिए बिल्कुल देखने वाली बात है कि लिस्ट निकालती ही जा रही है कांग्रेस, मगर फिर भी सस्पेंस बना हुआ है। दो उम्मीदवार अभी भी बचे गए हैं, हालांकि अभी भी समय थोड़ा बचा हुआ है नामांकन को लेकर, तो कहीं ना कहीं इंतजार भी अभी बनी हुई है। जल्द से जल्द सूत्रों की माने तो किसी भी समय कांग्रेस अपनी इंतजार खत्म करती हुई नजर आएगी। जनता की जो इंतजार कांग्रेस की सूची को लेकर यानी पूरी सूची को लेकर है वो कहीं ना कहीं थोड़ी देर में समाप्त होती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए नॉमिनेशन को नामांकन को बहुत कम समय अभी रह रहा है, समय खत्म होने में काफी कम समय रह रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के हालांकि अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस इंतजार खत्म करती हुई थोड़ी देर में नजर आएगी। बिल्कुल, आप राजिता देखिए 3 बजे तक लास्ट नॉमिनेशन किया जाएगा और फिलहाल अभी तक भी दो सीटें पेंडिंग है और कहीं ना कहीं अभी भी खबरें ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सोहना पर कोई और प्रत्याशी, अभी तक भी कांग्रेस की तरफ से कोई भी पक्का नहीं किया जा रहा कि किसको टिकट दी जाए। हालांकि कांग्रेस शायद पक्का कर भी चुकी है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी तक दो जो सीटें बची हुई हैं उनको डिक्लेयर नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने कल तक सामने आ रही थी कि जो जो नाम है यानी जो लिस्ट निकलने से पहले ही
उम्मीदवारों को सूचना दे दी गई थी कि उन्हीं को उम्मीदवार घोषित किया जाएगा यहाँ से, उन्हीं को फील्ड करेगी कांग्रेस, बस ऑफिशियली अनाउंस करना बचा हुआ है। यानी नॉमिनेशन के लिए तैयार रहे, पेपर वर्क तैयार रखे अपना, किसी भी समय आपको नॉमिनेशन के लिए आगे बढ़ना होगा। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है वो तैयार है पूरी तरीके से, बस ऑफिशियली लेटर आने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे आपने जिक्र किया, ये कंफर्म तो बिल्कुल हो चुका है, मगर फिर भी इंतजार बरकरार है कांग्रेस की दो और उम्मीदवारों को लेकर के, जो जल्द ही खत्म होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप राज्य बड़ा सवाल ये कि जो दो सीटें बची हैं फिलहाल सोना और भिवानी, इसको लेकर क्या कुछ पेच फंसा हुआ है कांग्रेस, जो अभी तक भी नाम घोषित नहीं कर रही है इन दो सीटों पर? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विरोध कांग्रेस ने देखा है, जो उम्मीदवारों को खिलकर सूची जारी की गई थी पहली और दूसरी, और भारतीय जनता पार्टी में भी देखा, तो कहीं भी कोई भी विकल्प कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती। आखिरी समय तक भी कोई विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी, कोई भी नेता इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ ले, क्योंकि देखिए जिस तरीके से संभावित सूची सामने आई है, उस तरीके से कहीं ना कहीं अटकलें भी जो बाकी नेता लगा रहे होंगे कि संभव है कि उनका नाम नहीं भी आ सकता है, तो वो अपने पेपर तैयार, अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया है तो वो पेपर तैयार करके रखे होंगे कि जैसे ही लिस्ट जारी की जाएगी तुरंत ही नॉमिनेशन के लिए वो आगे बढ़ जाएंगे। उन्हीं सब विकल्प को कहीं ना कहीं कांग्रेस बंद करना चाहती है, रोकना चाहती है, इसके लिए ये देरी की जा रही है। तो अपराजिता, ये माना जाए कि जो ये दो विधानसभा सीटें बची हैं, लगातार हम जिक्र कर रहे हैं सोना और भिवानी, तो क्या गुटबाजी यहाँ पर हावी होती नजर आ रही है कांग्रेस के लिए, चुनौतीपूर्ण है ये दो सीटें? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कई दिग्गज नेता है हरियाणा में, सभी के अपने अपने विचार रखे गए थे यहाँ पर, सूची को लेकर भी विचार रखे गए थे, उम्मीदवारों को लेकर के, अपने अपने समर्थकों को लेकर के, तो बिल्कुल देखिए सभी ने अपने अपने उम्मीदवार को वहां से उतरवाना चाहते थे। अब देखने वाली बात है शेष नेतृत्व किसका फैसला मानते हैं, किसे लगता है कि वेन कैंडिडेट होगा, शेष नेतृत्व को क्या लगता है, इन्हीं सब चीजों में हम कह सकते हैं कि थोड़ा समय लग रहा है और किसी भी नेता को दुखी नहीं करना चाहते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो संभव है कि अभी से थोड़ी देर बाद चीजें को क्लियर कर दिया जाएगा और कोशिश की जा रही है सबसे विनिंग कैंडिडेट को मौका दिया जाए। उन्हीं सब चीजों को लेकर के बिल्कुल संभव है कि चर्चा होगी और गुटबाजी, हालांकि गुटबाजी संभव अब कहना थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार शेष नेतृत्व पूरी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से गुटबाजी हावी ना हो इस विधानसभा चुनाव में, और नेताओं के द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि सहमति आपस में बनी रहे, इसको देखते हुए सभी अपने अपने विचार हालांकि रख रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि शेष नेतृत्व के आखिरी फैसला लेता है और किसे सोना से सील करता है या किसे जो भी बची हुई सीट है उसे कहां से सील करता हुआ नजर आता है। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस ने दो और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उकलाना से नरेश, नारनौन से जसबीर सिंह को टिकट दिया गया है, अभी भी दो सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है।